इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम कैसे खोलें और इंस्टाग्राम कैसे ओपन करें। अब बेसिक सी बात है, एक्चुअली में क्या होता है, कई सारे नए भाई लोग ऐसे हैं जो भाई लोग चाहते हैं इंस्टाग्राम को चलाना, इंस्टाग्राम को खोलना। और इंस्टाग्राम को कैसे खोलते हैं आइए जानते हैं। जब भी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे गाइस यहाँ पे सर्च बार में जाना है, आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। जैसे फ्रेंड इंस्टाग्राम आप लोग सर्च करते हो, इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस आ जाएगा। सिंपली इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। अब जब भी फ्रेंड आप लोग ओपन करोगे, हो सकता है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आए, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शंस पे दबाना है। यदि फ्रेंड आप लोग पहली बार इंस्टाग्राम को चलाने जा रहे हो, इंस्टाग्राम को पहली बार खोल रहे हो, तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। के बाद में फ्रेंड फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, क्रिएट न्यू अकाउंट मतलब सिलेक्ट करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक OTP जाएगा, एक कोड जाएगा, जो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए अभी हम लोग वो OTP का इंतज़ार कर लेते हैं। OTP हमारा पड़ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपना सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड है, उसको क्रिएट कर लेना है। एक ऐसा पासवर्ड डालना है, यूनिक पासवर्ड डालना है और किसी को पता भी ना चले। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड को बना लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब इसका मतलब ये होता है, अगर आप लोग सेव करोगे ना, तो ये पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा। यदि भूल भी जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड ही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे आने के बाद में लिखा हुआ है सेव योर लॉगिन इन्फो, तो आपको सेव करना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपकी जन्मतिथि है वो आपको यहाँ से इंटर करना है। सेटअप करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बताया गया है फुल नेम। अब जो भी आप लोग इंस्टाग्राम का अपना नाम लिखना चाहते हो, जो भी आपका नाम है, तो वो आपको नाम डालना। जैसे कि मेरा नाम है रोहित, तो मैं डाल देता हूँ रोहित, और गाइस यहाँ पे रोहित कुमार डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, अब आपको यहाँ पे एक यूजर नेम आपको लिखना है। यूजर नेम में जैसे गाइस यहाँ पे रोहित कुमार, अब मैंने रोहित कुमार लिखा। अब यहाँ पे यदि फ्रेंड ये पहले से ही कोई नाम यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे लिख के आएगा नॉट अवेलेबल। यदि आपको यहाँ पे एक यूनिक नेम डालना है, इसके पीछे आपको 2-3 अंक लगा देना है। अब लगाने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे रोहित कुमार, ये हमारा यूजर नेम तैयार हो रहा है। फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, जो कि इंस्टाग्राम की, आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में फ्रेंड अब आप लोग इंस्टाग्राम के अंदर एंटर होने वाले हो, ठीक है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर लगाना है, जो भी आप लोग अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फ़ोटो लगाना चाहते हो, तो ऐड करना है। चॉइस गैलरी पे जाना है। अब जो भी आपकी फ़ोटोज है, जैसे कि मेरी ये फ़ोटो है, तो इसको मैंने लगा लिया। अब आपको डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप लोग डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे लिख के आ चुका है वेलकम टू इंस्टाग्राम। अब मतलब आप लोग इंस्टाग्राम के अंदर नेस्ट करना है, परमिशंस को अलाउ करना है, इस चीज़ को स्किप करना है, यहाँ से भी स्किप करना है, फिर आपको गाइस यहाँ पे स्किप करना है, फिर एक बार स्किप करना है, फिर स्किप करना है। अब यहाँ पे बताया गया है फॉलो 5 यूजर्स,
तो आपको पांच लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉलो करना है, फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब आपका इंस्टाग्राम में फ्रेंड चालू हो चुका है, मतलब इंस्टाग्राम आपका खुल चुका है। अब इसे चलाने के लिए, रील देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका जो वीडियो जो फ्रेंड वो प्ले हो जाएगा। अब लाइक करने के लिए यहाँ से लाइक कर सकते हो, कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कमेंट का ऑप्शंस मिल जाएगा। अब अपनी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए प्रोफाइल पे जाना है और ये आपकी प्रोफाइल है, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हो ऐसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी फॉलो करोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।